है गाइस, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेस्ट अप एजुकेशन में। आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1.4। चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक लिखा है कि बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। यानी कि इसको भाग नहीं देना है, लंबे विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है और बता देना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो इसको बनाने से पहले आप लोग जान लीजिए कि शांत कब होता है। तो शांत होने के लिए क्या होना चाहिए, 5 के पावर n और 2 के पावर n के रूप का होना चाहिए, यानी इस रूप का है तो क्या होगा, शांत होगा, या केवल 5 के पावर n रहेगा या 2 के पावर भी n केवल रहेगा तो भी दशमलव प्रसार शांत होता है। n का मतलब कोई प्रकृति संख्या होता है, उसका पावर होता है घात होता है, यानी कि इसका घात जो है कोई प्रकृति संख्या हो सकता है। तो इसके सिवा अगर कोई दूसरा आ जाता है इसके गुणनखंड तो क्या होगा, ये शांत दशमलव नहीं होगा, यानी कि उसका जो हर होता है, हर का गुणनखंड इसके सिवा दूसरा कोई आता है तो शांत दशमलव नहीं होगा, हो जाएगा अशांत आवर्ती। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक को। एक नंबर में लिखा है 13/31/25। इसको मान लेंगे कि माना कि 13/31/25 इक्वल टू पी बाई क्यू। ये तो p जो है अभाज्य संख्या है और q अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए इसका गुणनखंड निकालेंगे तो लिखेंगे क्या, q इक्वल टू 31/25। इसका गुणनखंड निकालेंगे तो गुणनखंड देखिए कैसे निकाला जाता है, 31/25 का गुणनखंड यहाँ पे निकाल देते हैं। सबसे पहले देखेंगे ये 2 से कटेगा कि नहीं, तो अंत में ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि अंत में क्या होता है, 0, 2, 4, 6, 8 रहता है तो ही 2 से कटता है। ये 3 से कटाने का नियम ये होता है कि उसको जोड़ने पर 3 के पावर में आ जाना चाहिए, तो जोड़ते हैं इसको तो 3, 1, 4, 4, 2, 6, 6, 5, 11 3 के पावर में नहीं आता है तो 3 से नहीं कटेगा, तो अंत में 5 है तो 5 से अवश्य कटेगा, 5 से इसको कटाएंगे तो 30 है तो 5 6 30 होगा, 1 बचेगा 12 होगा, 5 × 10 होगा, 12 में से 10 कटेगा 2 होगा, 25 होगा, 5 5 25 हो जाएगा, फिर 5 से कटाएंगे तो 125 6 25 होता है, फिर 5 से कटाएंगे तो 25 5 125 होगा, फिर 5 से कटाएंगे तो 5 5 25, यानी 5 × 5 इसमें आ रहा है तो लिखेंगे 5 × 5 × 5 × 5 × 5, यानी कि 5 × 5 लिख देंगे और ये 5 × 5 है यानी 5 के पावर 5 होगा ये। तो यहाँ पे क्या है, 5 आ गया, 5 के सिवा कोई अन्य संख्या नहीं है, तो लिखेंगे कि यहाँ Q में 5 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं है, 5 के अलावा कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अतः 13/31/25 का दशमलव प्रसार शांत है। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसका 2 नंबर। दो नंबर में लिखा है 17/8 इसको भी मान लें कि माना कि 17/8 इक्वल टू पी बाई क्यू। पी बाई क्यू मानेंगे, लिखेंगे q इक्वल टू 8 होगा क्योंकि 17 जो है अभाज्य गुणनखंड है तो उसका गुणनखंड नहीं निकालेंगे, वो अभाज्य संख्या ऑलरेडी है। तो 2 का गुणनखंड होता है 8 का गुणनखंड होगा 2 × 2 × 2, यानी 3 × 2 होगा, 2 × 2 = 4, 2 × 8 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 2 के पावर 3। लिखेंगे यहाँ q में 2 के अलावा
दू के अलावा कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसमें दू के अलावा कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह तो 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये आसानी से आप लोग समझ गए ना। अब इसका एक और क्वेश्चन बना देते हैं, 3 नंबर। देखिए यहां पे 3 नंबर बनाते हैं। तीन नंबर में क्या करेंगे, इसमें भी लिखेंगे माना कि 64/455 इक्वल टू पी बाई क्यू। पी बाई क्यू मान लेंगे तो क्यू इक्वल टू क्या होगा, क्यू इक्वल टू हो जाएगा 455, और 64 भी है तो इसका भी गुणनखंड निकाल देंगे। P इक्वल टू होगा 64, इस दोनों का गुणनखंड निकालते हैं कितना आएगा, तो ये 455 का गुणनखंड 5, 5, 10, 14 5 से ये भी कटेगा, तो 5, 9, 45 5 होगा, 7 से कटेगा तो 1,300 होगा। इसका गुणनखंड निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि उसमें कटने वाला कोई भी संख्या नहीं है, 5 × 7 × 13 हो जाएगा, यानी 5 × 7 × 13 हो जाएगा। तो इसमें क्या है, 5 और 2 के सिवा अन्य अभाज्य गुणनखंड इसका है, तो लिखेंगे कि यहाँ Q में 5 के अलावा अन्य अभाज्य गुणनखंड, अन्य अभाज्य गुणनखंड सात और तेरह है, अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, यह हो जाएगा इसका आंसर। 3 नंबर के हो जाएगा क्योंकि 2 और 5 के अलावा अन्य जो गुणनखंड इसमें शामिल है, इसलिए ये इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और इसमें क्या बता देते हैं, 4 नंबर भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। चार नंबर माना कि इसे मान लेंगे, 4 नंबर कितना है, 15/1600 इक्वल टू पी बाई क्यू हो जाएगा। 15/1600 इक्वल टू पी बाई क्यू, यहाँ क्यू बराबर क्या होगा, 1600 होगा, और 1600 का गुणनखंड निकालेंगे, यानी 1600 का गुणनखंड कितना होगा, 2 से कटाएंगे 8 × 16 होगा, फिर 2 से कटाएंगे 4 × 8 होगा, फिर 2 से कटाएंगे 2 × 4 होगा, फिर 2 से कटाएंगे 100 होगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 50 होगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 25 होगा, और 5 से कटाएंगे तो 5, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 × 2 है और 1 × 5 है। तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 × 2 हो गया और 2 × 5 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 कैगो है 6 को है तो 2 के पावर 6 लिख देंगे, और 5 कैगो है 2 को है तो 5 के पावर 2 लिख देंगे, यानी ये जो है इसका अभाज्य गुणनखंड जो है 2 और 5 है, इसके सिवा कोई अन्य नहीं है। तो लिखेंगे कि यहाँ Q में 2 और 5 के अलावा, 5 के अलावा कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है, कोई
अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है, कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अतः 64/455 अतः सॉरी 64 बटा नहीं बल्कि 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। ये रहेगा इसका आंसर, यानी इसका भी दशमलव प्रसार शांत है, चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक नंबर जो क्वेश्चन हमारे साथ उसमें 4 को बन गया, और उसके बाद आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है, यानी उन संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिख देना है जो शांत है, यानी कि जो क्वेश्चन एक नंबर है, एक नंबर में जो जो जिसका दशमलव प्रसार शांत है उसको 2 नंबर में लिख दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर देखते हैं, अब 3 नंबर क्या कह रहा है। 3 नंबर लिखा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और p / q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यानी इसको बता देना कि परिमेय संख्या है या नहीं। अगर परिमेय संख्या है तो p / q के रूप की है, तो q के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व एक नंबर लिखा है 43.12345678 9, इतना दिया है। तो ये क्या है, ये दशमलव के बाद भी कट गया है, यानी कि ये शांत दशमलव है, लिखेंगे चूंकि यहां दशमलव प्रसार शांत है, चूंकि यहां दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए यह परिमेय संख्या है, इसलिए आप परिमेय संख्या है अतः तथा इसे p / q के रूप में लिखा जा सकता है अतः q के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है, यानी q के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 और 5 है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं 2 नंबर, एक नंबर का ये आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में लिखा है 0.12001200, यहाँ पे 120, फिर 1200 1200 1200 .. है। तो ये क्या है, ये देखा जा रहा है कि 10 यहाँ फिर 2 ऐसे बढ़ते जा रहा है, ये तो ना तो शांति है और ना ही अशांता बढ़ती है। तो क्या लिखेंगे चूंकि यहाँ दशमलव प्रसार न तो शांत है और न ही अशांत आवर्ती है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है, तथा इसे p / q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अतः हमें लिख देंगे q
क्यू का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड दो और पांच नहीं है। यानी दो और पांच के घात के रूप में नहीं है। अब देखते हैं तीन नंबर, तीन और क्या है, फोर थ्री 43.1234567 8 9 इस पे पूरा पे बार है, यानी बार है, परंतु ये संख्या बार बार आ रहा है, इसका मतलब है कि इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत है। तो लिखेंगे कि चूंकि यहां दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, इसलिए यह परिमेय संख्या है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। तथा इसे P by Q के रूप में, P by Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अतः Q के अभाज्य गुणनखंड दो और पांच के अलावा अन्य भी है। यानी इसका गुणनखंड दो और पांच के अलावा अन्य है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती है। यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप, आशा करता हूं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, इसमें ऑल प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।